हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड फ्रस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं आप इस टॉपिक को सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि हम कुछ नेगेटिव बात करने वाले हैं। देखिए, ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति लाने का काम करने वाला है। आप कहेंगे कि कैसे कैसे ये एपिसोड हमारे बिजनेस में क्रांति लाने का काम करेगा, आप तो नेगेटिव बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ था, उस फ्रस्ट्रेशन ने जो क्रांति लाई, उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। कुछ ऐसी ही क्रांति आपके बिजनेस में भी आने वाली है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उससे। आज हमारे साथ में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं आज के इस एपिसोड में। इनका नाम ऋषभा रोंदेकर है और ये इंदौर से बहुत ही एनर्जी के साथ में बड़े टारगेट को अपने सामने रखकर अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करते हैं। ऋषभा जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन की आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऋषभा जी नमस्कार। ऋषभा जी, वो सभी लोग जो अपने बिजनेस में बड़े टारगेट रखते हैं, उनके रास्ते में कभी ना कभी बाधाएं तो आती हैं, चैलेंजेस तो आते हैं, और वही चैलेंजेस वही बाधाएं उन्हें फ्रस्ट्रेशन भी देती हैं। और मैं जानता हूं ऋषभा जी कि आप भी बड़े टारगेट्स को लेके काम करती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम करती हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी कुछ फ्रस्ट्रेशन होंगे, आप भी चैलेंजेस फील करती होंगी। इससे पहले कि मैं आपसे कहूं ऋषभा जी कि आपके आपके अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन है, यू नो, और आप वो फ्रस्ट्रेशन बताएं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फ्रस्ट्रेशन ये प्रोग्राम दरअसल नेशनल मेगा माइंड शो के लिए हमने एक सीरीज बनाई है। इसमें कई सारे एपिसोड्स होंगे। नेशनल मेगा माइंड शो जनवरी महीने की 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन का एक बहुत बड़ा मेगा शो, एक लर्निंग शो होने वाला है। और इस बहुत बड़े लर्निंग शो के लिए स्पॉन्सरशिप हमें मिली है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल से, जो कि हमारे प्लेटिनम स्पॉन्सर है मिस्टर हरजीत मल्होत्रा और मिस्टर अशित राजकोटिया जी से, जो कि हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है मिस्टर अर्जुन कुमार, मिस्टर हेमंत अग्रवाल, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी और मिस्टर शैलेश जोशी से, जो कि हमारे सिल्वर स्पॉन्सर है। इन सारे ही स्पॉन्सर को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस आप अपने बिजनेस में फील कर रही है, क्या फ्रस्ट्रेशन आप अपने बिजनेस में फील कर रही हैं। देखिए, जैसे कि आपने कहा फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली चैलेंजेस आते हैं और कुछ क्षण के लिए वो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं। यदि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, आपका वैल्यूएबल टाइम है। कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर है या जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे मिलते हैं, आप घंटों उन्हें समय देते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको लगता है ये कॉल अब क्लोज होना है। उस वक्त आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर किसी और से भी बात कर रहा है, आपका कस्टमर ऑनलाइन भी चेक कर रहा है, आपका कस्टमर बैंक से भी बात कर रहा है, और आपकी मेहनत जो आपने इतनी उनके साथ की थी और आपको लग रहा था कि ये क्लोज हो जाएगा, आप आपके टारगेट के पास पहुंच जाए, और उस वक्त आपको ये पता चलता है कि वो आधे परसेंट के लिए वो कस्टमर ऑनलाइन ले रहा है या बैंक से ले रहा है, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होता है। एक्चुअली एजेंट्स की इमेज जो है वो मार्केट में नेगेटिव है इंश्योरेंस एजेंट, इसकी वजह ये है कि कुछ एजेंट्स ने गलतियां की हैं, जहां डिस्काउंट रिबेट है या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस जो है वो नॉलेज ना होते हुए सेल किया गया है, तो उसका खामियाजा सबको भुगतना है। एंड सेकेंड इज कि वहां पर ये बात हो जाती है कि जो कस्टमर है उसको तो जांचना है, परखना है और उसके बाद ही अपना एजेंट के पास इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि कस्टमर जो है वो गलत डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है कई बार, या कई बार वो ऐसा हो जाता है कि आपसे पूरा नॉलेज लेने के बाद उसको डिबेट या डिस्काउंट की जो आदत लग चुकी है उसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पाता है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। अभी एक वीडियो लेडी है जिनसे मेरा जस्ट इंटरेक्शन हुआ और वो बड़ी परेशान थी। उनका कहना था कि उनके अच्छे एजेंट थे लेकिन उनके हस्बैंड ने जो गलतियां की उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके एजेंट जो कुछ भी बताते थे उनके हस्बैंड खुद करते थे, और आज वो एजेंट ने साथ नहीं दिया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ मैं कैसे करूं और मुझे कैसे पैसा मिलेगा। मैं उनकी हेल्प कर रही हूं अभी, तो ये सब चीजें जो है वो कभी ना कभी आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं। कंप्लीटली एग्री मैडम, कंप्लीटली आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को फ्रस्ट्रेट करती हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक सो ऋषभा जी?
देखिए इसका सॉल्यूशन तो एक ही है कि कस्टमर को ये समझना होगा कि उसको टाइम कॉस्ट एंड क्वालिटी में से दो को चूज करना है। डेफिनेटली आप यदि ऑनलाइन जाते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको रिबेट डिस्काउंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो आप जिस कमीशन को आप समझ रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एजेंट की इनकम है, उसका घर चलता है, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है, तो आपको चूज करना है कि आपको सर्विस चाहिए या टेम्पररी रिबेट चाहिए। और ये तो चलता रहेगा मार्केट में, हमें अपना काम करना है, अच्छी सर्विसेज देना है और आगे बढ़ना है। Absolutely correct. तो इसकी एजुकेशन होना जो है एक कस्टमर को बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो आपकी बात से रिश्मा जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने पूरे देश में जो है इस तरह का माहौल है, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं और आपने इस केस को उजागर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्मा जी एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर ही रखते हैं, उसे बाहर नहीं निकालते हैं, उसे अपने एनर्जी का स्रोत नहीं बनाते हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को अपना एनर्जी सोर्स बनाया और बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया, आपने भी आज अपने फ्रस्ट्रेशन को जो बाहर निकाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक क्रांति को जन्म देगा, कहीं ना कहीं ये क्रांति को जन्म देगा समाज में, कहीं ना कहीं ये अपना रोल अदा करेगा। और ये एनर्जी, बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस एनर्जी को, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, और आपने अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाला इस प्रोग्राम में। रिश्मा जी एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए कि ये जो एपिसोड चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है फ्रस्ट्रेशन, इस एपिसोड की ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज अब चलने वाली है 1st week of January तक। और दरअसल ये सीरीज एक कॉम्पिटिशन, ये जो एपिसोड्स हैं ये एपिसोड्स एक कॉम्पिटिशन है, और जिस भी एपिसोड के द्वारा नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल या ऑनलाइन टिकट सबसे ज्यादा बिकेंगे, उस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट आए हैं उस गेस्ट को पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा नेशनल मेगा माइंड शो के दौरान, तो और इस प्रोग्राम में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल टिकट को बाय किया हुआ है, या फिर जो लोग नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल प्रोग्राम में अवेलेबल रहेंगे, वही लोग ये जो फ्रस्ट्रेशन प्रोग्राम चल रहा है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में अपने बिजनेस में बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं, अगर आपने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल टिकट्स को बाय किया है और आप फ्रस्ट्रेशन इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हमें फोन कीजिए और इस प्रोग्राम के लिए अपने अपॉइंटमेंट को बुक कीजिए। सो रिश्मा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार कि आप तो नेशनल मेगा माइंड शो में आ रही हैं, आप भी एक अपील कीजिए आपके जान पहचान वालों को जो इंश्योरेंस एजेंट है कि नेशनल मेगा माइंड शो में उन्हें क्यों आना चाहिए। ओटी बिल्कुल, मैं गुजारिश करूंगी हर एडवाइजर से कि उन्हें आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आज जिस मुकाम पे पहुंची हूँ उसमें नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, और जब आप यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, आपको उन्हें सुनने मिलता है, बड़े बड़े एडवाइजर्स आ रहे हैं, तो इस तरह के छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सॉल्यूशंस आपको यही मिल सकते हैं, और जितना ज्यादा लर्निंग होगा, अपडेट रहेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि इस नेशनल मेगा माइंड शो में जरूर आइए। मैं जा रही हूँ 10, 11, 12 के शो में लोनावाला, तो उम्मीद करती हूँ आप भी जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करेंगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक रिश्मा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से रिश्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। और अब दर्शकों से एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि आपने हमारे इस एपिसोड को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द किसी और इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल प्रोग्राम को बुक किया है, उनके साथ में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उनकी फ्रस्ट्रेशन को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।